तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपको सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, रोतम तो लगने लगने हैं। 45 कंट्रीज ऐसी है जहां पे आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते, जैसे पाकिस्तान वाले इसराइल नहीं जा सकते, उनके तो पासपोर्ट के वादे तौर पर ऊपर लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शेयर। तो आज भाई सबको इंतजार है, आउट पास कब खुलेंगे, एक आउट पास कब खुलेंगे, एक ही क्वेश्चन आ रहा है भाई, आउट पास कब खुलेंगे, रीहायरिंग कब ओपन होगी। रीहायरिंग के बारे में तो मैं वीडियो पीछे बना ही चुका हूँ, आपको पता ही है, देख ही ली होगी आपने, रीहायरिंग 2020। तो आज बात करते हैं आउट पास के बारे में। आउट पास ओपन होंगे, इसका क्या रूप होगा, इसका क्या फाइन होगा, कौन करेगा रीहायरिंग, कौन करेगा आउट पास का, वो मतलब जैसे पहले किए थे एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था ठेका, या फिर सरकार डायरेक्ट आउट पास लगाएगी जैसे पिछली बार किए थे। पिछली बार क्या किया था इन्होंने, जो बांग्लादेश वाले थे वो अलग कंपनी को दिए गए थे और जो इंडिया वाले हैं वो अलग कंपनी, दोनों अलग अलग कंपनियों के दिए। जब बंदा इमिग्रेशन जाता था, पुत्रा जाया, तो वहाँ पे जाके एक बोर्ड नोटिस मिलता था कि भाई तुम इस एड्रेस पे जाओ, वो आपको आउट पास लगा के देंगे। मतलब कि सीधा डायरेक्ट इमिग्रेशन नहीं करवा रही थी। तो उसके बारे में छोटी सी बात करते हैं ना आगे चल के। ओके जी, अभी क्या है कि एक और बात आ रही है जो रीहायरिंग है, उसमें मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था मैंने कि डर्टी, डिफिकल्ट एंड डेंजरस जो है जॉब्स हैं वो सारी की सारी फॉरेनर को दी जानी है, और जो वाइट कॉलर काम है, जो आईटी का काम है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकल को दिया जाएगा। तो ये वाली बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो मैंने ये वीडियो बनाई थी रीहायरिंग 2020 में, उसमें एक myfuturejob.com का भी मैंने जिक्र किया था, उसमें पूरी की पूरी डिटेल बताई गई थी। तो जो भी आईटी का बंदा है वो वहाँ पे जाके अपनी, जैसे कोई डिज़ाइनर है, जैसे कोई आईटी प्रोफेशनलिज्म है, कोई वेबसाइट बना सकता है, कोई बंदा ऐसे ही तरीके से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, कोई मतलब वाइट कॉलर जितने भी काम है एसी के अंदर बैठ के काम करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ लोकल के लिए है। उसके दो तीन कारण है। रीज़न क्या है कि भाई सबसे पहली बात तो है मलाई, कि जो हम आपस में बात कर रहे हैं ना, वो हमें पता है हम आपस की बात कर रहे हैं, और अपने देश की बोली के हिसाब से वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और रही बात डर्टी, डिफ़िकल्ट और डेंजरस की, तो भाई इसको मैं गंदी बात नहीं कह रहा, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत एक प्राउड वाली बात है। इसको ध्यान से सोचिए, समझिए कि भाई अगर डेंजरस वाली बात या डेंजरस वाली जॉब हम फॉरेनर करते हैं, तो यार सोचो हमारे ऊपर ये मलेशिया या फॉरेन की कंट्री कितनी डिपेंड हो चुकी है कि भाई हम लोग जो लोकल हैं वो नहीं कर सकते ये जॉब, ओनली फॉरिनर कर सकते हैं, इंडियन, बांग्लादेशी, म्यांमार, पाकिस्तानी कोई भी भाई है वो कर सकता है। तो ये कोई क्रिटिसाइज वाली बात नहीं है, ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए, जहाँ हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, कि भाई हम जो भी काम करते हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर सरकार को इतना ट्रस्ट है कि हम डर्टी भी काम कर सकते हैं, डेंजरस भी काम कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं। तो ये प्राउड वाली बात है भाई, ये कोई क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है। इस बात को थोड़ा सा उस वे से लीजिए जिस वे से मैं कहने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और जो आउट पास की बात करें, तो भाई आउट पास पे लोग जब ओपन हो जाएंगे, अभी हम इसके बारे में रुक के बात करते हैं कि सरकार क्या ड्रामे कर रही है, ठीक है ना भाई। यार हर वीडियो में कहता रहता हूं मैं आपको कि भाई लिंक को कॉपी करो, अपने स्टेटस के ऊपर लगा दो, लिंक को कॉपी करो, स्टेटस के ऊपर लगा दो, प्लीज। अब भी मैं वही कह रहा हूं, सब्सक्राइब तो आपने, अच्छा सब्सक्राइब का फंडा ये है भाई, ग्रे बटन होना चाहिए नीचे वाला, रेड नहीं होना चाहिए, अगर रेड है तो उसको ग्रे कर दो, रिक्वेस्ट है। तो जब बंदे यहाँ से इंडिया चले जाएंगे या पाकिस्तान चले जाएंगे, अब क्या होता है कि भाई मलेशिया से जल्दी होती है घर जाने की, मैंने घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, यहाँ से तो घर चले गए, अब वहाँ पे जाके एक दो महीने बाद आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, तब आपको लगता है यार मैं फिर वहीं पर चला जाऊँ। अरे यार पूरी कंट्री में 200 से ज़्यादा कंट्री है, अब 200 कंट्री है। रात मैंने लाइव में भी बोला था, चलो एक बार मैं फिर बोल देता हूँ,
200 कंट्री है उसमें से 100 कंट्री ऐसी निकाल देते हैं जहां पे आप जा नहीं सकते। इतनी बड़ी कंट्री है, बिग कंट्री है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी कंट्री लगा लेते हैं ना, 100 कंट्री ऐसी लगा लेते हैं। 100 कंट्री ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, वहाँ पे आपका जाने को दिल ही नहीं करता। मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, जहाँ श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका वहाँ पे जाने को दिल नहीं करता। जो बाकी की बची 50 कंट्री है उसमें से मान लीजिए कि भाई आपको 45 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते। जैसे पाकिस्तान वाले इसराइल नहीं जा सकते, उनके तो पासपोर्ट के वादे तौर पर ऊपर लिखा हुआ है। और इंडिया वाले सोमालिया नहीं जा सकते, पाकिस्तान, मलेशिया वाले, कोरिया नहीं जा सकते। कई कंट्रियाँ के अलग अलग वो होती है, थोड़े से अलग क्लेश होते हैं। तो ऐसी कंट्री मान लीजिए 45, तो भाई पूरी दुनिया में 5 कंट्री तो ऐसी होगी ही होगी जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आप जाके कमाई कर सकते हो। दोहा कतर हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मीनिया हो गया, और भी बहुत सी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। फिलिपीन भी है भाई, अब बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो इजी तरीके से। 5 कंट्री, अब एक कंट्री में अगर मान लीजिए आपने 5 साल भी लगाए, 5 और 25 साल हो गए, 25 साल तो बंदा काम करता भी नहीं है, तो भाई किसी और देश में चले जाओ ना। जरूरी नहीं है कि आपने आउट पास लगा लिया, इंडिया चले गए, इंडिया से वापस आपने थाईलैंड के राही गलत तरीके से, रॉन्ग वे से आना है। मान लीजिए आप रॉन्ग वे से मलेशिया पहुंच गए, तो भाई ना तो आपका बाद में वीज़ा लगेगा और ना ही आप यहाँ पर कोई लीगल रहेंगे, आपका कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं होगा, आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, आप जीरो हैं, कोसंग हैं, आपका परमिट किसी भी हालत में नहीं रहेगा। एजेंट चाहे कुछ भी कर ले यार, कोई भी कर ले, आपका वीजा नहीं लगने वाला है। इस बात को थोड़ा सा भाई ध्यान में रखिएगा। ये नहीं है कि आप इंडिया गए, वहां भी आपकी रिस्पेक्ट खत्म हुई और वापस आप थाईलैंड के जरिए वापस आ गए। गलत बात है, रॉन्ग मैटर है, ये आप गलती कभी भी मत कीजिएगा, मेरी आपको रिक्वेस्ट है। अच्छा भाई, जो सब्सक्राइब वाला बटन है अगर रेड है तो उसको देख लो ध्यान से, उसको ग्रे कर दो, रेड नहीं रखना उसको प्लीज। स्पेशल पास जो लग रहे थे वो थे महंगे, मतलब 2,000-3,000 रिंगट के करीब था इसका खर्चा। और आउट पास जब ओपन हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, हो जाएगा, तो भाई उसकी कीमत 700-800 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1200 सी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। प्लस आपकी टिकट 1000-1200-1500 रिंगट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो सरकार को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने आउट पास ओपन करने का फैसला लिया है, पर कब लेंगे फैसला, अब मुद्दे पे आते हैं। सरकार मजाक कर रही है कब से, अगर भाई नहीं ओपन करने हैं तो सीधा बोल दो कि भाई नहीं ओपन करने हैं। अब डेली के डेली बयान आता है मंत्री का कि 1 तारीख को ओपन हो जाएंगे, 14 को हो जाएंगे, 16 को हो जाएंगे, 17 को हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई अभी तक मलेशिया की सरकार ने फाइनल ही नहीं किया है। जो मेरे इमिग्रेशन वाले जानकार हैं जिनसे मैं बात करता रहता हूं, उन्होंने बताया कि अभी तक इन्होंने इनका प्राइस तक फाइनल नहीं किया है। अब सोचिए, अगर प्राइस तक फाइनल नहीं किया है तो भाई ये कंपनियों को कैसे डिवाइड करेंगे कि भाई कौन सी कंपनी ने कितना कोटा देना है, कितना कोटा लेना है, कब लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी अभी तक रूपरेखा नहीं तैयार की गई। और जो आउट पास 2020 है उसका लोगो क्या होगा, उसका सिनेरियो क्या होगा, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या होंगे, और ये आउट पास लगेंगे कितने से अब जून तक तो बोल दिया है भाई। अब डेली के डेली मेरे को भी मैसेज आते हैं, दूसरे भी भाई हैं जिनको मैसेज आते रहते हैं कि भाई कब ओपन होंगे, भाई कब ओपन होंगे। भाई सबसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मान लो आज ओपन हो गए तो भाई आज तो अपने जाना नहीं है, कम से कम 1-2 महीने तो रुकोगे ही रुकोगे कि भाई चलो आउट पास तो ओपन है ही है, जिन्होंने जाना चले जाओ, बाद में हम चले जाएंगे। भाई जून तक पड़े हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने पड़े हैं, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स होके जाओ, धीरे धीरे जाओ। पर जब भी वापस आओ जेन्युइन तरीके से आओ, मलेशिया में 2 नंबर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, 1% भी फ़ायदा नहीं है। जो मलेशिया में यहाँ पे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, उनकी रातों की नींद ख़राब रहती है कि भाई पकड़े ना जाएं, जेल हो जाएगी। वर्क परमिट पे है उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है कि भाई उनको अपने बॉस से या एजेंट से चेकआउट मीमो लेनी पड़ती है। चलिए ये एक छोटी सी बात से उसको छोड़ देते हैं, अब एक और छोटी सी मुद्दे की बात करते हैं। भाई कोई भी न्यूज़ आती है व्हाट्सएप के ऊपर, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मत बनो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मत बनो। आप क्या करो कि भाई उस चीज़ की पहले पुष्टि करो, फिर उसको वायरल करो, फिर उसको शेयर करो, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। आप जब वीडियो को, कभी किसी फोटो को
वायरल कर देते हो पलसू को, फेक न्यूज को, तो सरकार ने एक नया लॉ बनाया है जो इस लॉ के तहत आता है कि भाई आप साइड में देखिए, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपको सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, रोतम तो लगने लगने हैं। तो भाई इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि आप फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ो और आपका नुकसान हो जाए। कोई भी न्यूज़ आती है भाई, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के चेप दी, मुंह उठा के उसको सेंड कर दी, उसको सेंड कर दी, ये वाले पचड़े में मत पड़ो भाई। आप फॉरेन में हो, आप इंडिया में या पाकिस्तान में, अपनी देश में नहीं हो। अगर आप इंडिया पाकिस्तान होते तो भी भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी फेक न्यूज़ फैलाने से पहले 100 बार सोचो। पहली गल तो ज़रूरत ही नहीं है यार, पहली बात तो उसको फैलाने की कोशिश करो। आप कोई भी न्यूज़ होती है उसको पहले किसी भी तसल्ली बख्श बंदे से पूछो, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करो, नहीं तो भाई मत करो किसी को भी फॉरवर्ड। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी ही कुछ छोटी सी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।